फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 15 इंची मॉनिटर स्पीकर, जिसमें आप किस तरह से अपने स्टेज पर लगाकर प्रोग्राम को शानदार कर पाएंगे। वो भले कथा हो, भजन हो, सत्संग हो या महिला संगीत का कार्यक्रम हो, आपको मॉनिटर स्पीकर लगाने ही होते हैं। तो उसको आप किस तरह से बेस्ट बना सकते हैं असेंबल करके, उसकी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप भी आसानी से अपने मॉनिटर स्पीकर में जान डाल पाएंगे। और वो किस तरह से होगा तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कथा सत्संग के लिए या आप स्टेज पर जो मॉनिटर लगाते हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लगाते हैं। आप दो मॉनिटर, चार मॉनिटर, जिस तरह से आपके स्टेज की साइज है उस तरह से आप अपने स्पीकर को लगाते हैं, जिससे जो बजाने वाले हैं या नाचने वाले गाने वाले हैं उनको आवाज़ प्रॉपर मिले, इसलिए आपको मॉनिटर स्पीकर नीचे से देने होते हैं। तो इसके लिए आपको किस तरह से आप अपने स्पीकर को लगाएंगे, कितने वाट का लगाएंगे और उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप काफ़ी आसानी से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने प्रोग्राम को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे और आपके जो सुनने वाले हैं तो उनको काफ़ी आवाज़ सुनाई देगी अच्छी। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एले की जो आपको बॉडी दिख रही है, इसमें जो स्पीकर लगवाए हुए हैं कौन से, उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो दूंगा। तो ये फर्स्ट लुक आप देख पा रहे हैं इसका, इस तरह से आपको मॉनिटर शो हो रहे हैं। तो इसमें जो स्पीकर लगाए हुए हैं वो है प्रोफेशनल स्पीकर, आप देख पा रहे हैं 15 इंची 400 आपको शो हो रहा है। तो ये प्री ऑडियो का स्पीकर है और ये काफ़ी अच्छा 15 इंची का स्पीकर है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें मिड और बेस मिल जाता है आपको, तो ये काफ़ी अच्छा स्पीकर हो जाता है 400 वाट का आपके स्टेज के लिए मॉनिटर के रूप में काम में लेने के लिए, क्योंकि मॉनिटर में एक सिंगल स्पीकर ही लगता है। तो आप इसमें, मैं जो आज बताने वाला हूँ वो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आपके लिए प्री ऑडियो, तो इसको हम अपने बॉक्स में लगाएंगे और काफ़ी आसानी से अपने मॉनिटर को कंप्लीट कर लेंगे और उसमें जो ध्यान रखना होगा उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो ये अनबॉक्सिंग करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्पीकर आपको शो होगा और ये आप देख पा रहे हैं स्पीकर काफ़ी शानदार स्पीकर है प्री ऑडियो का, जो 400 वाट का स्पीकर है। इसमें आपको हाइज भी लगानी होगी, तो हाइज आप 450 वाट की लगा सकते हैं, तो उससे आपको जो हाइज है वो काफ़ी अच्छा स्टेज पर मिल जाएगा। और ये अनबॉक्सिंग हो ही चुका है तो बस बहुत ही जल्द आप इसका फर्स्ट लुक देख पाएंगे। तो ये आपको और पैकिंग के लिए शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्पीकर आप देख पा रहे हैं, जो आपको 15 इंची प्री ऑडियो का स्पीकर यहाँ पर शो हो रहा है 400 वाट का, 400 वाट ये, और आपको यहाँ प्लस माइनस के लिए प्लग दिख रहे हैं जिसमें आपको अपने वायर को डालना होगा और वायर आप हेवी क्वालिटी का ही लेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखने का है, मतलब लोकल आप एल्यूमिनियम का वायर न लगाएं, अगर एल्यूमिनियम का वायर लगाते हैं तो वो आपके जलने की संभावना रहेगी। तो आप अपने जो बॉडी असेंबल करवा रहे हैं तो उसमें आप इस स्पीकर को लगाकर अपने स्पीकर में नई जान डाल सकते हैं। और जो आप वायर लगाते हैं वो कॉपर का वायर लगाएं, हेवी वायर लगाएंगे जिस तरह से आपको ये केबल शो रही है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अपने प्रोग्राम में। और काफ़ी आसानी से आप चाहें तो पीछे स्पीकॉन भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट वायर भी निकाल सकते हैं। और आपको रेड वायर अपने रेड प्लस में लगाना है और जो ब्लैक वायर है वो आपको ब्लू पॉइंट में लगाना है माइनस में। तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो भी कनेक्शन करेंगे वो आपको प्लस माइनस करके ही ध्यान रख के ही करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर की ओर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्पीकर की फिटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने स्पीकर को काफ़ी आसानी से इस तरह से लगा लेंगे। आप टोके उस समय स्पीकर ध्यान रखना, उठाते वक्त इसमें वजन होता है मैग्नेट का, तो वो आपके हाथ से गिर नहीं जाए, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और स्क्रू एक भी आपके अंदर की तरफ नहीं रहना चाहिए, वरना स्पीकर जब बजेगा तब वो स्पीकर आपके ये फाट सकता है, क्योंकि स्पीकर में जो कागज़ होता है वो स्क्रू के द्वारा कटने की संभावना रहती है। तो आप जब भी अपने स्क्रू को कसते हैं तो बिल्कुल सावधानी से आपको करना है, वरना आपके स्पीकर फट जाएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ये स्पीकर कसने के बाद और ट्विटर लगाने के बाद, हाँ HF लगाने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा शो हो रहा है, ये प्री ऑडियो का मार्क आपको शो हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर इसे फिट कर लिया गया है और ऊपर 450 वाट का हमने इसमें हाइज लगाया है, तो हाइज का कॉम्बिनेशन आपके स्टेज पर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मिड और बेस भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह आप भी अपने एले बॉडी स्पीकर मॉनिटर के लिए काफ़ी आसानी से असेंबल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे चला पाएंगे और प्रोग्राम में चार लगा पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।